हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं द ऋषि सर्वाइवल सीरीज, एंड इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं, पहले दो एपिसोड नहीं देखे हैं, तो जल्दी से जाके देख लो। एंड इस वाले वीडियो में मुझे बेसिकली अपने घर को डेकोरेट करना है, एंड बाहर से भी मुझे डेकोरेट करना है, बिकॉज वो इतना डेकोरेटिव नहीं लगता, बेसिक लगता है भाई, एकदम नॉर्मल सा मकान लगता है। बट मुझे अच्छा करना है उसे, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लगेंगे और थोड़ी सी वुड भी लगेंगी मुझे। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी ट्रीज तोड़ लेता हूँ, एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सैपलिंग भी आ चुकी है। तो एक आगे एपिसोड में जब टाइम मिलेगा हम वापस प्लांट भी कर देंगे इन सबको। ओके, फिलहाल हो रही है रात, तो मैं घर पर चले जाता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ, ये दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ तो मेरे पीछे से फिर से क्रीपर ना फूट जाए। यहाँ पे मैं अपना खाना थोड़ा पकाने के लिए रख देता हूँ, एंड फिलहाल मेरे पास ये डाल लेता हूँ एंड सो जाता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मेरा खाना रेडी है, सो खा लेता हूँ भाई। अभी मेरे को डेकोरेट करना है अपने घर को बाहर से सबसे पहले। तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये वुड लगा लेता हूँ नॉर्मल से ओक लॉक, जो कि मुझे लगता है थोड़ी बढ़िया लगेंगे। यहाँ पे जो टॉर्च है तो यहाँ पे लग नहीं पाएंगे, यहाँ पे एंड पे लगाता हूँ एक काम करता हूँ। ये एंड 1 2 3 4 नाइस, ये दोनों अभी लेवल में आ चुके हैं। बीच में मैं सोच रहा हूँ स्लैप लगा लेता हूँ, बिकॉज वो एकदम अच्छी वाली, मतलब सामने मैंने जस्ट एंट्रेंस में जैसा किया था वैसे ही अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ पर टॉर्च की वजह से मुझे नहीं लगता आएंगा, सो यहाँ पे ऊपर एक ब्लॉक लगा देता हूँ। हाँ ओके नाइस, अभी यहाँ पे आएगा स्लैब, एंड ये स्लैब यहाँ तक कंटिन्यू होगा। ओके नाइस, अभी ये ब्लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। ओके डन, अभी चेक दिस आउट गाइस, कितना मस्त लग रहा है अभी भाई। ये डेकोरेटिव लग रहा है, लेकिन ये जो ग्लास है वो थोड़े से यहाँ के आखिरी वाले थोड़े से ये वाले थोड़ा अजीब लग रहे हैं। ओके चेक दिस आउट, मस्त लग रहा है एकदम। मैंने वो ग्लासेस को भी हटा दिया है, एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा आइटम फ्रेम बनानी है। तो दो आइटम फ्रेम की ज़रूरत है, और उसके लिए लेदर लगेगा जो कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, और वो मुझे मिलेगा काउस से। ओह काउ यहीं पे मिल गई, काउस से, सॉरी बट मुझे मारना नहीं है बट ओके काउस से, एंड लांबा वगैरह हॉर्स से मिलता है, हॉर्स को भी मैंने मार दिया है, एंड इस वेल में लांबा है दो। ओके सॉरी बट ओके मर्ज ओके अबे यार ओके फाइनल, बट फिलहाल मैं वेल में अटक चुका हूँ। और एक ब्लॉक लग जाए यार। ओके अभी मुझे थोड़े से स्टिक्स बनाने हैं, और दोनों आइटम फ्रेम इज रेडी। एक काम करता हूँ, ये नहीं यहीं पे लगा देता हूँ, और यहाँ पर। और मुझे अभी पेंटिंग क्राफ्ट करनी है, सो उसके लिए मुझे स्टिक्स वगैरह लगेंगे। सो मैं पहले वुड बना लेता हूँ, और वुड के बना लेता हूँ स्टिक्स। नाइस, और थोड़े स्टिक्स। ओके नाइस, दिस इज डन। और ओके मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, सो पेंटिंग इज रेडी, तो लगा देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बट ये आइटम फ्रेम यहाँ पे मतलब अच्छी नहीं लग रही है, वो यहाँ पे गलत लग गई। ओके ये सब टीवी वाला लग, ओ भाई ये कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे कुछ ओ नाइस, चेक दिस आउट गाइस, टीवी लग रही है ये पूरी, और इंटीरियर में भाई अच्छा ही है। और यहाँ पे मैं दोनों आइटम फ्रेम लगा देता हूँ, जो कि ऐसा स्पीकर टाइप लगेंगे, एंड उनके अंदर मैं वुल लगाने की सोच रहा हूँ, बट वाइट वुल ऐसा नॉर्मल बेसिक लगेंगे। और मेरे पास एक पड़ी हुई है फ्रेम आइटम, सॉरी पेंटिंग पड़ी हुई है, तो इस पेंटिंग को मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पे। ओ नाइस, ये तो भाई थीम के साथ मैच हो गई, फर्नेस के ऊपर मस्त लग रही है, फर्नेस के पीछे। ओके दरवाज़ा बंद, ओके यहीं पे मिल गई मेरे को शिप। ओ नाइस, मेरे को इसका वुल मिल गया, और मुझे थोड़े डाई वगैरह लगेंगे, मैं कौन से डाई लूँ। ओ भाई रेड फ्लावर है, तो इनसे मुझे रेड डाई मिल जाएंगे, एंड ये गए दो वुल मिल गए मुझे रेड वाले, मिले नहीं वाले मैंने क्राफ्ट किए। मेरा घर कहाँ गया भाई, मैं घर भूल ही जाता हूँ अपना, इस वेल के आसपास ही था। ओके मेरे ओके इस घर के पीछे, एंड गाइस अगर सच बताओ तो डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है,
एकदम सिंपल सा और बढ़िया लगा है। और मैं यहाँ पे माइनिंग पे आया हूँ और एक क्रीपर ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। कोई नाइस आयरन भी मिल चुका है मुझे एंड मुझे आयरन के सामान बनाने हैं बेसिकली, इसलिए मैं मेरे घर के पास ही थी ये चीज़, सो मैं यहाँ पे आ गया आयरन की तलाश में, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब यार सब स्टोन की चीज़ें हैं, अब मुझे अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा यार। सो मैं यहाँ पे आयरन ढूंढने आ चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे मॉब्स भी हो सकते हैं, बट फिलहाल तो दिन का टाइम है और अभी रात होने वाली है। फर्नेस में मैं अपना खाना वगैरह पकने के लिए रख देता हूँ, मतलब जब मैं सुबह उठूँगा तब थोड़ा खाना हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ओके सो जाते हैं एंड ओके सो उठ चुका हूँ मैं, यहाँ पे अपना खाना रेडी है और यहाँ पे मैं स्लैब कुछ काम नहीं था मुझे उसका, सो ओके यहाँ पे ये वाला भी रेडी है, सो अभी मैं बाहर चल लेता हूँ। और आयरन को रख देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए, उसके बाद वो आयरन इंगट बन जाएंगे एंड फिर मैं आयरन का सामान बना दूंगा और मुझे और आयरन की तलाश है। सो ऑल राइट गाइस, मुझे यहाँ पे और आयरन मिल चुका है, सो मैं इन सबको फटाफट से तोड़ लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने टॉर्च बना लिए 12 और यहाँ पे मैं और स्टिक्स बना लेता हूँ एंड ये आयरन आ चुका है स्मेल्ट होके, और केव से भी मैंने बहुत सारा आयरन लेके आ गया हूँ, केव से मुझे 7 आयरन और मिला है एंड ये भी है मेरे पास। सो एक काम कर लेता हूँ, अपने जो आयरन है 3 उससे मैं बकेट बना लेता हूँ, बकेट इज़ अननेसेसरी। ओके गाइस, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, बकेट में पानी भर लेता हूँ बिकॉज उसी मेन चीज़ के लिए, जो कि बकेट के यार बहुत सारे मेन रीज़न होते हैं, हम MLG कर सकते हैं बकेट से एंड भाई बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वाटर बकेट से, बकेट से। एंड अभी मैं बचे हुए आयरन का सोच रहा हूँ एक शॉर्ट और एक पिकेक्स बना लूँ, बिकॉज उनका भी बहुत सारा काम होता है एंड आर्मर हम बाद में देखेंगे। ओके, नहीं तो भी आयरन मेरे पास बहुत कम बाकी है, अभी 5 ही आयरन बाकी हैं, सो आर्मर मैं देख लूँगा बाद में बनाने का, फिलहाल मुझे हेलमेट वगैरह नहीं बनाना है। ओके गाइस, सो मैं अभी और आयरन ढूंढने के लिए अपना आर्मर क्राफ्ट करने के लिए दूर आ चुका हूँ मेरे घर के बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पे मुझे आसपास एक भी केव नहीं दिखी, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं भटक रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन से जा रहा हूँ बिकॉज मुझे घर नहीं, मतलब मुझे लॉस्ट नहीं करना है अपना घर बेसिकली, इसलिए मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ब्लॉक लगाते हुए जा रहा हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगे कि इस डायरेक्शन से बेसिकली मैं आ चुका हूँ। सो मैं उसी सो गाइज, रात हो रही है एंड रात को मॉब्स आते हैं, सो मुझे मॉब्स से फाइट नहीं करनी, बट अभी मेरे पास आयरन है वेल, लेकिन फिर भी यार, और खाना भी मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है फिलहाल। सो एक काम, ओके मुझे दिख गया है अपना घर, वहाँ पे लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं। सो ओके गाइज, मैं विलेज में आ चुका हूँ फिर से एंड अपना घर कितना मस्त लगता है रात को टॉर्चेस वगैरह की वजह से। ओके गाइज, सो अभी मैं सो लेता हूँ। ओके सो ओके गाइज, आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, तब तक के लिए।